दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर रोज कई कई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की 5 टीमें तेजी से जांच कर रही हैं और उतनी ही तेजी से नई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सुशांत के नौकर नीरज से लगातार 6 दिन से सीबीआई पूछताछ कर रही है और बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुशांत के नौकर नीरज, कुक केशव और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के बयान आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। पिठानी तो एक ही घटना को हर बार अलग तरीके से बता रहा है दोस्तों, यानी सिद्धार्थ पिठानी बहुत बड़ा वाला खिलाड़ी है, मगर सीबीआई की कड़ी पूछताछ में, सीबीआई की सख्ती में नौकर नीरज बुरी तरह से टूट गया है और नीरज ने सब कुछ सच बता दिया है। नीरज ने 14 जून को पिठानी और दीपेश के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और बता दिया है कि पहले एक घंटे में क्या कुछ किया गया। यहाँ तक कि नीरज ने यह भी बताया कि उसके नाम पर सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट चलता था। जी हाँ, नौकर के नाम पर बैंक में अकाउंट खोला गया था। यही नहीं, नीरज ने रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और 14 जून के साथ 13 जून का भी सच बता दिया। तो आपको बताते हैं क्या कहा नीरज ने सीबीआई से पूछताछ में। इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सुशांत के लिए दुआ करें और ये मुहिम हरगिज न छोड़ें। तो सीबीआई पूछताछ कैसे करती है ये आप भी जानते हैं दोस्तों, और सीबीआई की इस सख्ती में नीरज पूरी तरह से पिघल गया, टूट गया और नीरज ने कई ऐसी बातें बता दी, कई ऐसे खुलासे कर दिए जो हैरान करने वाले हैं और पूरा का पूरा सुशांत का सच सामने लाने वाले हैं। 14 जून के बारे में नीरज क्या बोला वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि सीबीआई से पूछताछ में नौकर नीरज ने बताया कि उसके नाम पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक अकाउंट है और ये अकाउंट रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत हैंडल करते थे। नीरज के मुताबिक इस अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत का ही पैसा होता था, लेकिन इस अकाउंट को रिया और दीपेश हैंडल करते थे। यही नहीं, नीरज के इसी अकाउंट में सुशांत के ही कोटक वाले अकाउंट से हैवी ट्रांजैक्शन तक हुआ था। नीरज ने बताया कि सिद्धार्थ पिठानी भी रिया और दीपेश के साथ शामिल था और वो भी इसके पैसों में हिस्सेदार था। अब आगे देखिए, 14 जून को लेकर नीरज ने ऐसा कुछ कहा जिसने सुशांत के केस को पूरी तरह से खोल कर रख दिया दोस्तों। नौकर नीरज से सीबीआई ने कहा कि अच्छी तरह से याद करके बताओ कि 14 जून को आखिर हुआ क्या था और तब सुशांत को जूस देने के बाद सिद्धार्थ और दीपेश कहाँ बैठे थे। तो नीरज ने बताया कि कुक केशव ने ही सुशांत को नारियल पानी और जूस दिया था, जबकि केला सुशांत ने नहीं खाया। इसके बाद केशव नीचे वाले फ्लोर में आ गया और नीरज भी तब नीचे वाले फ्लोर में ही था और नीरज ने कहा कि अगले करीब एक घंटे तक वो खुद और केशव नीचे वाले फ्लोर में थे। जी हाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ बात पूरे एक घंटे की हो रही है और इस दौरान उन दोनों ने नाश्ता किया, किचन साफ किया और नीचे के फ्लोर की सफाई भी की। नीरज ने बताया कि इसी दौरान पूरे एक घंटे तक दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी ऊपर वाले फ्लोर में सुशांत सर के ठीक बाहर वाले कमरे में बैठे हुए थे। जी हाँ, यही इस मामले में नया ट्विस्ट है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद नीरज ने जो कहा वो हैरानी भरा है। नीरज ने कहा कि उस एक घंटे में दीपेश और सिद्धार्थ ने क्या किया उसे नहीं पता। नीरज के मुताबिक उस एक घंटे में सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत सर के साथ कुछ गलत किया या फिर कुछ और हुआ उसे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब वो बाद में वो ऊपर वाले फ्लोर में गया था तो दीपेश और सिद्धार्थ वहीं सुशांत के बाहर वाले रूम में बैठे हुए थे और नीरज ने ही सिद्धार्थ को फोन करने के लिए कहा जब दरवाजा नहीं खोला गया तो। अब नीरज के बयान का मतलब समझिए, पिठानी बार बार कह रहा है कि जब सुशांत को जूस दिया गया उसके बाद भी काफी देर तक वो नीचे वाले फ्लोर में था, जबकि नीरज ने साफ साफ कहा है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश ऊपर वाले फ्लोर में थे और एक घंटे तक वो दोनों वहां अकेले थे, यानी इसी एक घंटे के दौरान खेल किया गया दोस्तों। और नीरज ने भी इसका इशारा दे दिया कि हो सकता है कि इसी एक घंटे में सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत का काम तमाम कर दिया हो, नहीं तो बार बार सिद्धार्थ पिठानी आखिर क्यों कह रहा है कि वो नीचे वाले फ्लोर में था और नीरज क्यों कह रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ऊपर वाले फ्लोर में था। तो कुल मिलाकर अब घटनाक्रम साफ होता जा रहा है दोस्तों। तो अब तक तो कहा जा रहा था कि सुशांत को जूस दिया गया, फिर कमरा बंद हो गया, फिर चाबी वाले को बुलाया, बहन को बुलाया, सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा गया, सुशांत को नीचे उतारा गया और तब तक सुशांत दुनिया छोड़ चुके थे। ये सारी बातें, ये सब कुछ सच है, लेकिन इसी पूरी कहानी में अब तक वो एक घंटा मिसिंग था जिस एक घंटे में सब कुछ खेल खेला गया और उसी एक घंटे की कहानी नीरज ने बता दी है। नीरज ने सच बता दिया है, नीरज ने शक जाहिर कर दिया है, कई एंगल्स दे दिए हैं। अब सीबीआई को भी इसे सामने लाना चाहिए। अब हमें तो पूरा यकीन है कि उसी एक घंटे में सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ने सुशांत का काम तमाम किया होगा।
हमें ये भी लगता है कि बहुत पूछताछ हो गई, अब जल्द से जल्द रिया एंड कंपनी को कस्टडी में लेकर थर्ड डिग्री देकर सच उगलवाना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को एक लाइक जरूर दें, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।